subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon. हे प्रभु, एक बेटा तो होना चाहिए, वरना अर्थी को कंधा कौन देगा? वेल वेल, गर्ल्स ना सारे काम कर सकती हैं, घर के काम, बाहर के काम, गृहस्थी, नौकरी, फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर, यहाँ तक कि एक बच्चे को 9 महीना पेट में रखने के बाद पैदा करने का लेबर, लेकिन लास्ट राइट्स ना ना, उनके बस का नहीं है, नो परमिशन फॉर इट। क्या एक बेटी अपने माँ बाप से कम प्यार करती है, या केवल जेंडर अलग होने की वजह से उसका ये अधिकार चला जाता है? अंतिम संस्कार करना सिर्फ लड़कों का हक क्यों? अब इसके पीछे के रीजंस भी सुन लेते हैं। पहला, लड़कियां इमोशनल होती हैं, डेलिकेट, फेंट हार्टेड, शमशान घाट या कब्रिस्तान का नजारा नहीं देख पाएंगी। दूसरा, बाल शेव कराएंगी, लड़कियां बहुत पोजेसिव होती हैं अबाउट देयर हेयर एंड ब्यूटी कॉन्शियस ऑल्सो। तीसरा, सुना है ये जो अनमैरिड गर्ल्स है ना, दे आर वेरी प्योर, और भूत पिशाच इन्हें सबसे पहले पकड़ते हैं, शमशान घाट में जाना नॉट एट ऑल सेफ। चौथा, लड़कियां अगर लास्ट राइट्स करेंगी तो फिर आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। लड़के चाहे जितने भी नालायक हों, उनके छूते ही आत्मा को निर्वाण मिलता है। और पांचवा, जो लास्ट राइट्स करता है, प्रॉपर्टी पर एंटाइटलमेंट उसी का होता है, और लड़कियां वो इस गेम में ही नहीं है। सिंपल। इन बाहिया दलीलों की वजह से आज भी कई जगह गर्ल्स को लास्ट राइट्स की अनुमति नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट प्रोटोकॉल्स पे अभी भी कई जगह ड्रॉप डाउन मेन्यू में डॉटर शब्द नहीं आता, और अस्थि विसर्जन के टाइम प्रीस्ट न जाने उनसे कितने सवाल करते हैं। आज भी हमारे समाज में फीमेल प्रीस्ट की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, और उनकी तो छोड़िए जो कि फ्यूनरल राइट्स कराते हैं। अभी भी शमशान घाट या फ्यूनरल बिजनेसेस में लड़कियां नहीं हैं, और कई जगह पर तो बेटियों को अंतिम संस्कार की परमिशन भी नहीं मिलती। यू नो, पैट्रियार्कियल समाज में कोई भी परंपरा को तोड़ना, स्टीरियोटाइप को तोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। 2014 में गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने इतिहास रच दिया जब अपने पिता की सारी लास्ट राइट्स उन्होंने खुद की। 2016 मल्लिका साराभाई ने अपनी माँ मृणालिनी साराभाई को नृत्यांजलि अर्पित की और उनको मुखाग्नि भी दी। 2018 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी की फर्स्ट बेटी ने उनका दाह संस्कार किया। 2021 मंदिरा बेदी ने अपने पति राज कौशल के सारे लास्ट राइट्स खुद ही किए। स्टीरियोटाइप्स जो भी तोड़ता है ना, उसे एक नाम दिया जाता है, रिबेलियस। 2020 मेरी लाइफ का सबसे कठिन फेज था, आई लॉस्ट माई फादर, एंड बिकॉज वी आर टू सिस्टर्स, हम दोनों ने मिलकर बाबा के सारे लास्ट राइट्स कंप्लीट किए। ये हमारी कहानी थी उनके साथ, जिन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, और ये हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। 2018 #MyDaughterWill एक ऐसा कैंपेन जिसने सोशल मीडिया में चारों तरफ धूम मचा दी, क्योंकि लोग लड़ रहे थे इस बात के लिए दैट डॉटर्स हैव द राइट टू सेंड ऑफ देयर लव्ड वंस। लड़कियों को अंतिम संस्कार की परमिशन ना देना ना धर्म है, ना न्याय है, ना ही कर्म है। माई डॉटर विल, बिकॉज माई डॉटर मस्ट। Subscribe to the YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.